हेलो जी एंड वेलकम टू द मूवी रिव्यू शो ऑफ पंजाब केसरी डॉट इन। मैं आपका अपना दोस्त सूफी इस शुक्रवार फिल्म देख करके आया हूँ चेन्नई एक्सप्रेस, जिसमें हमें नजर आए शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण। अब जहाँ एक फिल्म के अंदर शाहरुख खान और दीपिका जैसे बड़े नाम जुड़ जाएं, एक्सपेक्टेशंस तो अपने आप बढ़ जाती हैं, और जहाँ इस फिल्म को आपके सामने परोसा हो नन अदर देन रोहित शेट्टी साहब ने, तो एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन इस फिल्म से ये बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशंस कुछ गिरती हुई नजर आई। फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। एक आम इंसान शाहरुख खान अपने माता पिता के गुजरने के बाद अपने दादा दादी के साथ अपने फैमिली बिजनेस में रहता है, जहां एक दिन उनके दादाजी भी गुजर जाते हैं। और उसके बाद उनकी दादी माँ उन्हें बोलती है कि अपने दादाजी का आखिरी सपना सच करते हुए उनकी अस्थियों को रामेश्वरम के किसी नदी में जाकर के बहा करके आ जाए। अब इसी सफर के दौरान शाहरुख खान की मुलाकात होती है दीपिका पादुकोण के साथ, जो कि चेन्नई के एक बहुत बड़े डॉन की बेटी होती है और अपने घर से भाग करके आई होती है। दीपिका की हेल्प करते करते शाहरुख खुद उस मुसीबत में फंस जाते हैं और पहुंच जाते हैं चेन्नई में। ऐसी सी सिंपल और पुरानी स्टोरी है फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की, जो कि लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। डीसी के साथ जो हुई तुम उसका सोलो विटनेस, इसलिए तुम हमारे साथ कुंभन का चाहती चेन्नई एक्सप्रेस ले। अब बात करते हैं मूवी के बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में। अब रोहित शेट्टी जैसा नाम हो और एक्शन ना हो, ये कैसे हो सकता है? वो बात अलग है कि रोहित शेट्टी साहब ने अपने एक्शन स्किल्स इसमें भी बखूबी दिखाए। गाड़ियां उड़ती हुई नजर आई, एक्शन दिखा, लेकिन वो बात नहीं बनी। दूसरी बात करते हैं ह्यूमर की। ह्यूमर क्रिएट करने के लिए शेट्टी साहब ने शाहरुख खान की ही पुरानी फिल्म्स के कुछ पुराने पंचेस यूज किए, जो कि लोगों को हंसा नहीं पाए। और एक और बात करते हैं, वो है शाहरुख खान की उम्र, जो कि अब छुपाए नहीं छुप पा रही। उनकी बढ़ती उम्र का जो बढ़ाव है वो पर्दे पर साफ साफ बोल्ड अक्षरों में नजर आना शुरू हो गया है, जो कि लोगों को, ऑडियंस को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। ये था मेरा रिव्यू फिल्म के रिगार्डिंग। अब ऑडियंस को ये फिल्म कैसी लगी, जरा ये भी जान लेते हैं। हाँ जी सर, कैसी लगी मूवी जी? अच्छी मूवी है, एवरेज। अच्छी थी, नाइस थी मूवी, ठीक है, सो सो, एवरेज। ऑसम मूवी, बोलिए, ऑसम, एवरेज है, ठीक। बोर बोर, बिग बोर, बहुत बढ़िया मूवी है शाहरुख, रॉक, सो सो, मेरे को बहुत अच्छी लगी, ठीक है, नाइस, ओवर। पिक्चर बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बनी है, दीपिका पादुकोण की तो बात ही क्या है। सर 15 साल बाद फिल्म देख रहे हैं थिएटर से, वो भी बिल्कुल बकवास, टोटल फ्लॉप। ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे झांसी दीना, उसका एंड इतना शानदार था कि लोग इस पिक्चर को बार बार देखेंगे। थैंक यू सो मच। और इससे अच्छी पिक्चर मेरा ख्याल बनेगी भी नहीं। नॉट सो गुड, आधी पिक्चर निकाल दी तमिल बोलने में, आधी फाइट में निकाल दी, नॉट सो गुड। छुट्टी मनाने निकला था, तुमने मेरी छुट्टी कर दी। शाहरुख प्लस रोहित इज इक्वल टू ब्लॉकबस्टर। अच्छी थी बट नॉट जितना रोहित शेट्टी की हमेशा होती है वैसे एक्सपेक्टेशन। शाहरुख खान के बारे में क्या कहें? शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। शाहरुख खान की एक्टिंग अच्छी है, काफी ठीक ठीक थी वो, मतलब जो पहली बात थी वो नहीं थी। नाइस एक्टिंग। शाहरुख खान एंड शाहरुख खान, शाहरुख रॉक, बहुत अच्छा, बहुत देर बाद इतना अच्छा लग रहा है वो, और बहुत अच्छी कॉमेडी भी। शाहरुख खान ने बहुत वधी एक्टिंग की थी जी। शाहरुख खान का रोल, दीपिका पादुकोण का रोल, उससे भी अच्छा, ठीक थी, यानी कि एक्टिंग ठीक ठीक थी, जबरदस्त। शाहरुख खान फिर दोबारा से बैक आ गया 4 साल के बाद, जबरदस्त। थैंक यू। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। दीपिका पादुकोण, सो सो, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा है वो। दीपिका भी बहुत अच्छी लैंग्वेज बोल रही है वहाँ की, बहुत सेक्सी, वेरी सेक्सी, वेरी, थैंक यू, शी इज वेरी क्यूट। दीपिका इज गुड, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, ऑसम, बहुत अल्टीमेट एक्टिंग थी। दीपिका तो बहुत ही अच्छी है। हे मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? जब से मेरी लाइफ में आई हो, माय लाइफ फक्स, व्हाट फक्स, सेम हियर। इन अ नटशेल, मैं फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को ऑडियंस के सामने एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट फील कर रहा हूं, क्योंकि फिल्म के काफी हिस्से के अंदर तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, जो कि मेरे अकॉर्डिंग नॉर्थ के अंदर लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा।
हाँ, वो बात अलग है कि शायद साउथ के अंदर इस फिल्म को लोग पसंद करें, लेकिन खत्म करते हुए मैं फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को दूंगा नॉट मोर देन अ 2 out of 5. बाकी जनता जनार्दन. हमारी मुलाकात अगले शुक्रवार होगी, तब तक आप सिर्फ चिपक करके देखते रहिएगा पंजाब के एसी डॉट इन. दिस इज सूफी साइनिंग ऑफ. तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के ऑल द रजनी.